उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक सोमवार सुबह अचानक नोएडा पहुंचे। इसके बाद जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल जान मरीजों से बात की। इसके बाद डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने निरीक्षण के दौरान उपस्थिति रजिस्टर में स्वास्थ्य कर्मियों की एडवांस उपस्थिति दर्ज देख भड़क उठे। मामले की जांच के बाद प्रबंधन को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। कितने लोग जाते हैं अपने बनाने दो यार लोग कोई। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अस्पताल की सफाई व्यवस्था देखी, मरीजों से बात करने के साथ दवाओं, पेयजल, भोजन समेत दूसरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फिर ओपीडी कक्ष में गए, वहां कक्ष के बाहर मरीजों की लाइन देख भड़क उठे। इसके बाद फिजिशियन कक्ष और स्त्री रोग ओपीडी के बाहर जमीन पर बैठे मरीजों के लिए उचित प्रबंधन के लिए कहा। वहीं तीमारदारों और मरीजों से बात की, पूछा कि किस बीमारी के लिए वो आए हुए हैं और क्या इलाज चल रहा है, इसकी जानकारी ली। 4 घंटे से लेटे हैं, कौन है रोटेट कर रहा है? कौन है आपके साथ? कौन है यहाँ पे? व्हीलचेयर मंगवा। चलो मैं अभी व्हीलचेयर में। व्हीलचेयर मंगवा इनको। लेकर व्हीलचेयर मंगवा इनको। 4 घंटा हो गया। ठीक है, आप यहाँ बैठो, व्हीलचेयर मंगवा। चलो मिश्रा जी, व्हीलचेयर ले गया दौड़ के लिए। अभी कर इस दौरान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि मरीजों को भगवान मानकर इलाज किया जाए ताकि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा मकसद यूपी को स्वास्थ्य व्यवस्था में आगे लाना है। मरीजों को भगवान मानकर के अस्पताल परिसर में सेवा करेगी, उनके चेहरे पर मुस्कान लाएगी। सरकारी व्यवस्था उनको ऐसी महसूस होगी कि प्राइवेट से बेहतर व्यवस्था हम उनको देने जा रहे हैं और सभी मरीजों को हम VIP मान करके सेवा करेंगे। हमारे सभी मरीज अति विशिष्ट हैं, जो बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, कोई भी बीमार आएगा उसको हम स्वस्थ करके मुस्कुराते हैं, उसके घर वापस होते हैं। मतलब ये एक शिकायत आप रजिस्टर भी चेक कर रहे थे, यहाँ पर एडवांस हस्ताक्षर। मैंने बताया कि कुछ स्टाफ की शिकायतें हमने अपने आपको से देखा है कि एडवांस उन्होंने हस्ताक्षर किए हुए हैं जो कि गलत है, उनको नोटिस जारी करके और जो भी कुछ कार्रवाई होगी की जाएगी। बता दें कि डिप्टी सीएम के अस्पताल निरीक्षण का वीडियो फेसबुक पर लाइव हो रहा था। इस वीडियो को देखकर ही निरीक्षण करने की सूचना मिलते ही आस पड़ोस के CHC में हड़कंप मच गया। अधिकारी और कर्मचारी अलर्ट हो गए। कर्मचारी अपनी अपनी ड्रेस पहनकर ड्यूटी पर दिखाई दिए। उन्होंने अधीक्षक को फटकार लगाई कि मौखिक ही छुट्टी दे देते हो। बता दें कि जब से बृजेश पाठक ने डिप्टी सीएम का पद संभाला है उसके बाद से ही लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। पंजाब केसरी TV के लिए नोएडा से गौरव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।